चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, टू टैन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शंस दिए हुए हैं साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हम इसमें से चेक करना है कि हमारे इसको सॉल्व करके इसे वैल्यू किसके इक्वल आता है। चलिए तो हम इसको बनाते हैं और फिर चेक करते हैं किसके इक्वल है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये देखिएगा, टू टैन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर 30, तो टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इसको क्या लिखते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 बिकम्स 3। ओके, नाउ 2/√3 3 प्लस 1/3 दैट विल बी इक्वल्स टू 2√3, ये 3 ऊपर जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 2 एंड दिस विल गिव √3 दैट विल बी इक्वल्स टू √3/2। √3/2 भाई किसके वैल्यू के इक्वल होता है, तो √3/2 साइन 60 के वैल्यू के इक्वल होता है, सो वी कैन राइट साइन 60, साइन 60 ऑप्शन नंबर ए। हो गया, तो ये काफी आसान था, सी वैल्यू पुट करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो वैल्यू आपको आता है उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे, जिसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा उस वो ऑप्शन चूज कर लेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है 1 - tan² 45 degree डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 degree। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं tan 90 degree, ए tan 90 degree, बी 1, सी sin 45, डी 0। ठीक है, तो बना के देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा आता है। ठीक है, चलिए तो यहां क्या आएगा, वन टेन 45, टेन 45 इक्वल टू 1, 1 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 ये यहीं पे कैंसिल होगा, ये 2, 0/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, तो डी हो गया, डी इज करेक्ट। ओके, ये आसान था, बहुत ही आसान है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू 1। ठीक है, कह रहा है इस क्वेश्चन में साइन 2a 2 sin a के इक्वल कब हो जाएगा, कब होगा और वो वैल्यू a का वैल्यू क्या होना चाहिए, कौन सा कितने डिग्री पे ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको चेक करते हैं, ऑप्शन दिया 0 degree, 30 degree, 45 degree एंड 60 degree। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, यहां पहले हम फर्स्ट ऑप्शन ही लेके चलते हैं, तो साइन 2a, तो साइन 2 0 degree, तो साइन 0 2 into 0 0 हो जाएगा, तो साइन ये LHS लिया है मैंने, LHS। ठीक है, तो साइन 2 0 degree। ठीक है, तो साइन 0 degree इक्वल्स टू 0। नाउ आरएचएस लेते हैं, तो 2 sin 0 degree
तो 2 sin 0 degree is equals to 0 into 2 equals to 0. तो पहला ही वैल्यू हमारा सेटिस्फाई हो गया. पहला वैल्यू हमारा सेटिस्फाई हो गया तो वी विल से द फर्स्ट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री. ओके एंड फर्स्ट आंसर इज वेरीफाइड. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. tan 30 degree divided by 1 minus tan square 30 degree. इसमें options दिए हैं cos 60 degree, sin 60 degree, tan 60 degree, sin 30 degree. ठीक है तो हम बना के चेक करते हैं. इसमें कुछ भी हम अलग काम नहीं करेंगे. जैसे हम सारे questions बना रहे हैं वैसे बनाएंगे. ओके चलिए value हम put करते हैं 2 tan 30 degree. tan 30 degree is equal to 1 by root 3 divided by 1 minus tan square 30 degree. tan square 30 degree is equal to 1 by root 3 whole square. Okay. Now, what this will become? This will become 2 root 3 divided by, this will become 1 minus 1 by 3 equals to 2 root 3 divided by 3 minus 1 by 3 equals to 2 root 3. This will become 2 3. Okay. इसको हम लिखते हैं ऊपर ले जाके तो 2 by root 3 into ये पार्ट ऊपर जाता है ये पार्ट नीचे जाता है. ठीक है बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है तो जो डिनोमिनेटर में रहता है वो न्यूमरेटर के बगल में जाता है. याद रखिएगा बहुत कंफ्यूजन है बहुत लोगों का अभी भी. इसमें से मैं ये पर फिर से बता दूं. ठीक है तो ये 2 ये 3 ऊपर गया देखिए न्यूमरेटर में आ गए और यहां पे 2 इसको काटा हमने इसको भी काटा तो √3. √3 किसकी वैल्यू होती है तो √3 होती है भाई tan 60 की. तो दिस विल बिकम tan 60 degree. That very simple. Okay. Option hamara kitna number tha? Option hamara C. Option C. C is correct. Okay. To ye question kafi easy tha. I hope ki ye aasani se samajh mein aa gaya hoga. Theek hai. To thoda sa mera is baar video banane mein late ho gaya. तो आई होप कि मैं इस तुरंत अब फास्ट काम होगा क्योंकि मेरा थोड़ा माइक का प्रॉब्लम आ रहा था. तो काफी लोग बोल रहे थे कि माइक चेंज करो या फिर अच्छा साउंड नहीं आ रहा. तो मैंने फिर अभी नया माइक ऑर्डर करा है. ठीक है तो नए माइक के साथ रिकॉर्डिंग करी तो आई होप कि इस बार अच्छा हो. ठीक है तो अगर आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे पेज का लिंक दिया हुआ है वहां पे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है आई होप कि मैं और जल्दी काम करूंगा और आप लोग को अच्छे से अच्छा क्वालिटी वीडियोस. ठीक है जो हेल्पफुल हो और आप लोग शेयर उन बच्चों को कीजिए जो टेंस में हैं जो जिनके लिए हेल्पफुल हो. ठीक है थैंक यू.